आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंत जी का स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही आजाद भारत के सभी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कलेक्ट्रेट परिवार ने गोविंद वल्लभ पंत के जयंती के अवसर पर संकल्प लिया है कि पंत जी की अपेक्षा अनुसार प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बस आज शासन के निर्देशानुसार माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी को श्रद्धांजलि कलेक्टर परिसर में सभी के द्वारा दी गई है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियां को याद किया जाए, उनका जो योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे प्रांत के हमारे देश के संस्थाओं को सृजित करने में विकास की ओर अग्रसर करने में जो योगदान रहा उसको याद करके उसे प्रेरणा ली गई, स्फूर्ति ली गई और ना कलेक्ट्रेट परिसर के पूरे परिवार ने संकल्प लिया और जन किया कि अपने अपने पटल को हम लोग माननीय श्री पंत जी के अपेक्षा अनुसार इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में विकास की ओर आगे बढ़ाने में हम संकल्पित होते हुए दिनचर्या कार्यशैली सुधार करेंगे।